पॉलीनोमियल के फैक्टर्स बनाने सीखेंगे, उससे पहले हम कॉमन लेना सीखेंगे। जैसे हमारे पास है x स्क्वायर और साथ में है x, इन दो नंबर्स में से क्या कॉमन आता है कुछ? हाँ, x कॉमन आता है क्योंकि x दोनों में पड़ा है। तो x की पावर कितनी कॉमन आएगी? 1। कॉमन हमेशा छोटी पावर आती है, जैसे यहां x की पावर 2 है या x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 कॉमन आएगी। अगर x एक बाहर आ गया है तो यहां क्या बचेगा? एक x। और अगर एक x बाहर आ गया है तो यहां क्या बचेगा? 1। कॉमन का मतलब होता है उससे डिवाइड कर दो। जैसे आपने कह दिया, जैसे आपने कहा कि x कॉमन लेना है, तो ठीक है, अब क्या करेंगे, इस नंबर को x से डिवाइड करेंगे। जो नंबर कॉमन लेते हैं उस नंबर से दोनों को डिवाइड करना होता है और जो बच जाता है वो ब्रैकेट में आ जाता है। तो इसको पहले नंबर को x से डिवाइड करते हैं जो हमने कॉमन लिया है। तो ये एक, ये x स्क्वायर का मतलब होता है x मल्टीप्लाई x, और नीचे है x, ये एक कट गया, कितना बचा? x लिख दिया, प्लस यहां क्या आएगा, x को x से डिवाइड करो, कितना आया? 1 1। ऐसे लेते हैं हम कॉमन। फिर से देखते हैं, जैसे 3x2 x, इनमें से क्या कॉमन आता है? यहां देखें तो x की पावर कितनी है? 2। यहां पे x की पावर कितनी है? 1। तो फिर x बाहर आ जाएगा। अब इस पूरे को भी x से डिवाइड करो और इस पूरे को भी x से डिवाइड करो तो पता लगेगा कि ब्रैकेट में क्या बचेगा। 3x स्क्वायर को डिवाइड कर दो x से, ये इसका क्या मतलब हुआ? 3x मल्टीप्लाई x बाय x, ठीक है, और ये x कटा, कितना आया? 3x, ये बचा 3x, प्लस अब इस 2x को भी x से डिवाइड करो। जो नंबर कॉमन लेते हैं उस नंबर से सबको डिवाइड करना होता है, इसको भी डिवाइड करो, 2x डिवाइड बाय x करो, ये कट गया, कितना आया? 2, ये आया 2। ऐसे लेते हैं हम कॉमन, ठीक है। अब कॉमन देखते हैं नंबर्स के बारे में। 5x plus 15, अब इनमें दोनों में से क्या कॉमन आता है? कॉमन आता है 5, ठीक है, और 5 कॉमन आता है तो 5 लिखो बाहर और एक ब्रैकेट लगाओ। और अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? पहले नंबर को भी 5 से डिवाइड करो जो तुमने कॉमन लिया है, इसको भी 5 से डिवाइड करो, तो 5x को 5 से डिवाइड करो, 5 गया, कितना बचा? x। और 15 को भी 5 से डिवाइड करो, गया, कितना बचा? 3 प्लस 3, ठीक है। फिर से देखते हैं, 12x plus 18 लेते हैं। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये भी डिवाइड होता है और ये भी डिवाइड होता है? बड़े से बड़ा नंबर, जैसे ये 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, 2 से डिवाइड होता है, जैसे 12 by 2x, ये देखो कट गया, तो 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, तो फिर 2 कॉमन आ गया? नहीं, ये 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड होता है, तो 3 कॉमन लो, 3 बड़ा है, 2 छोटा है, 3 कॉमन लो, तो ये 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड होता है, तो फिर 3 कॉमन आ गया? नहीं, ये 6 से डिवाइड होता है, ये भी 6 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 6 कॉमन आएगा। बड़े से बड़ा नंबर कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब आप 6 कॉमन ले लो, 6 बाहर आ गया। अब जब 6 बाहर आया तो यहां क्या बचेगा? यहां पे क्या बचेगा? अब जो नंबर तुम कॉमन लेते हो, जो तुमने सोच लिया बड़े से बड़ा नंबर, उस
उस नंबर से इसको डिवाइड करो, जैसे 12x को इस नंबर से डिवाइड कर दो, कितना बचा 2x लिख दो, प्लस अब 18 को उस नंबर से डिवाइड करो, कितना बचा 3 लिख दो, ठीक है। ऐसे लेते हैं हम कॉमन, फिर से देखते हैं एक बार फिर, इट इज 8x² + 12x, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? एक तो बात यह है कि इन दोनों में से x कॉमन आएगा, x तो आएगा ही, क्योंकि यहां भी x पड़ा हुआ है, यहां भी x पड़ा हुआ है, तो x बाहर आ गया। x की कितनी पावर बाहर आएगी? 2 आएगी कि 1 आएगी? 1 आएगी, छोटी पावर बाहर आती है। इस तरफ x की पावर कितनी है? 2, और इधर x की पावर कितनी है? 1, तो सिर्फ x बाहर आएगा, ठीक है। अच्छा, और कोई नंबरों को देखो, अब नंबर भी देखने होते हैं। यहां ये नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है? बड़े से बड़े नंबर से सोचो, 8 से डिवाइड होता है, तो क्या ये 8 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो 8 कॉमन नहीं आएगा। तो ये 4 से डिवाइड होता है, ये भी 4 से डिवाइड होता है, तो 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब इसे 4x दोनों से डिवाइड कर दो, 8x² को डिवाइड करो जो कॉमन लिया है 4x से, 4 से 8 गया 2 आया, 1x और ये 2x है, ये 2x है आपके पास, 1x ये रहा, ये कट गया, तो कितना बचा 1x, कितना आया 2x प्लस। ये समझ गए ना मैंने क्या किया? ये मैंने ऐसे किया है जैसे 8x मल्टीप्लाई x और नीचे 4x, 4 कटा 8 से, 1x कटा 1x से, तो 2x आ गया प्लस। अब 12x को काटो इस बाहर वाले 4x से, x से x कटा, 4 से 12 गया 3 आया, आ गया 3। ऐसे लेते हैं कॉमन, एक बार फिर देखते हैं। जैसे 10x² + 15x, इधर देखते हैं। अब ये किस नंबर से डिवाइड होता है और ये भी किस नंबर से डिवाइड होता है? सोचो, दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, ये भी 5 से डिवाइड होता है, ये भी 5 से डिवाइड होता है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड होते हैं, तो 5 सबसे बड़ा नंबर है, तो 5 कॉमन आ गया। अब x को देखो, क्या x भी आता है? हाँ x भी आता है, इधर भी x है, इधर भी x है, x बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचेगा इसको जानने के लिए, अब दोनों नंबर्स को इस 5x से डिवाइड कर दो, तो 10x² / 5x करो, क्या होता है? जैसे देखो 5 गया 10 से 2, ये 2x है, 1x कट गया, तो कितना बचा 1x, क्या बचा 2x प्लस। अब 15 को करो 5x से, तो 5 गया 15 से 3, ठीक है, 15x सॉरी, ये क्या है यहाँ पे 15x, 15x को करो 5x से, x से x गया 5, 15 से गया 3 आ गया, ठीक है। ऐसे लेते हैं हम कॉमन, अब शुरू करते हैं हम ये क्वेश्चन। तो इट इज 2x² + 4x + 3x + 6, ठीक है, ठीक है। अब हम दो दो नंबर्स को लेंगे, ये दो लेंगे और ये दो लेंगे, ठीक है। अच्छा, जब हम इन दो नंबर्स को देखेंगे तो हम इनको भूल जाएंगे, ये नहीं है, ऐसे सोचो ये नहीं है। अगर ये दो नंबर्स हैं तो इन दो नंबर्स में से सोचो क्या कॉमन आता है। इन दो नंबर में से एक तो x कॉमन आएगा ही आएगा, x तो कॉमन आएगा, ये ब्रैकेट लगाता हूं और ब्रैकेट के बाहर सोचना है, एक तो x बाहर आएगा, और कौन सा नंबर आएगा, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये भी डिवाइड होता है और जिससे ये भी डिवाइड होता है, और वो है 2, तो 2 भी बाहर आएगा, 2 भी बाहर आएगा। अब 2x बाहर आ गया, अब इस नंबर को 2x से डिवाइड करो, देखो क्या बचता है, और फिर प्लस लगाओ और इस नंबर को 2x से डिवाइड करो, तो 2x² को डिवाइड करो 2x से, और 4x को डिवाइड करो 2x से, दोनों को करो, इससे करो ये कटा और 1x कटा, बचा x प्लस, 4x को करो 2x से, x x गया 2, ये 2 बचा, ठीक है, यस। अब देखते हैं, अब आप इन दोनों को छोड़ दो, अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को,
और इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, पहले तो ये साइन जो भी होता है वो लिखना होता है प्लस। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, ये किससे डिवाइड होता है और ये भी किससे डिवाइड होता है, कौन से नंबर से होता है बताओ आप। थ्री से होता है, यस, तो थ्री बाहर आ गया, तो थ्री एक्स को थ्री से डिवाइड करो, थ्री कट गया, कितना बचा एक्स प्लस, तो प्लस। और उसके बाद सिक्स को भी थ्री से डिवाइड करो, कितना बचा टू, ये टू ब्रैकेट बंद, ठीक है ठीक है। अब एक ब्रैकेट ऐसी हमेशा होती है इस प्लस के इधर भी और इधर भी जो सेम होती है, देखो एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू ये पूरी ब्रैकेट और एक्स प्लस टू ये पूरी ब्रैकेट दोनों तरफ है, इधर भी है और इधर भी है, तो एक्स प्लस टू एक आंसर हो गया। और अगर ये एक्स प्लस टू जो रेड वाले मैंने लगाए हैं, अगर मैं इनको छोड़ दूं, अगर मैं इनको छोड़ दूं, ये भी छोड़ दिया और ये भी छोड़ दिया, ऐसे सोचो ये भी छोड़ दिया, ये छोड़ दिया और ये भी छोड़ दिया, तो क्या बचा, देखो क्या बचा 2x plus 3, 2x plus 3 वो दूसरी ब्रैकेट हो जाती है 2x plus 3, बस ये बड़े काम की बात है, ठीक है यस। ये हमारे आंसर हो गए, ये हमारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है 3x square plus 11x plus 6, फिर से वही काम, इसको पहले नंबर को आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करो, कितना आया, ये आया 18, ठीक है ये आया 18। अब मल्टीप्लाई करो दो नंबर होते होंगे, मल्टीप्लाई करो तो 18 आए और प्लस करें तो बीच का नंबर आना चाहिए 11। दो नंबर सोचो मल्टीप्लाई करके 18 आए और प्लस करके 11 आए, तो 6 और 3 इनको मल्टीप्लाई करो तो 18 आता है, 18 आता है यस। जरा 6 और 3 को प्लस करो, क्या 11 आता है, नहीं 9 आता है, हमें 11 चाहिए, बीच का नंबर चाहिए। इसका मतलब नंबर जो आपने सोचे हैं वो गलत है, कुछ और नंबर सोचो, कोई और नंबर सोचे तो, और कौन से दो नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए, 9 और 2, हाँ ये ठीक है 9 और 2, तो 9 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 18 आता है और 9 और 2 को जब प्लस करूं तो 11 आता है, बिल्कुल ठीक। तो जो नंबर आपको ठीक लगे हैं उनको अब लिखना है, सबसे पहले ये पहला नंबर लिखो 3x स्क्वायर, उसके बाद वो दोनों नंबर लिखो जो आपने सोचे हैं और वो है 9 और 2 प्लस 9, साथ में x भी लगाओ प्लस 2, साथ में x भी लगाओ और फिर प्लस 6, ठीक है अच्छा। अब फिर वही बात, दो दो नंबर में से कॉमन लेना होता है। अब पहले मैं इसे छोड़ देता हूं, इन दोनों में से कॉमन लेता हूं, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा जरा सोचो, एक तो x तो आएगा ही आएगा, इन दोनों में से, इन दोनों में से x तो आएगा ही आएगा, और नंबर्स में क्या कॉमन आएगा, नंबर में से 3 आएगा, ये भी 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड होता है, तो 3 भी आएगा। अब आप दोनों को 3 से डिवाइड कर दो, ऐसे सोचो कि ये 2 है आपके पास, अब इन दोनों में से 3x स्क्वायर को डिवाइड करो 3x से, 3 3 कट गया और x x कट गया, रह गया सिर्फ x प्लस। अब 9x को भी डिवाइड करो इस 3x से, x x कट गया, 3 9 से कटा, इट इज 3 बस, ठीक है। अब आप ऐसे सोचो ये 2 है आपके पास, ये 2 और यहाँ साइन कौन सा है, प्लस, प्लस लगाओ और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ये किससे डिवाइड होता है 2 से, ये किससे डिवाइड होता है 2 से, तो 2 बाहर आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना बचा x प्लस, इसको भी 2 से डिवाइड करो, कितना बचा 3 यस। ये हमारा नेक्स्ट आंसर हुआ। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होनी चाहिए, इसका मतलब ठीक किया है हमने। अब जो दो ब्रैकेट होती हैं, एक तो आंसर ये ब्रैकेट आती है और दूसरा आंसर इन ब्रैकेट को अगर मैं मिटा दूं, इसको भी मिटा दूं, तो क्या बचता है 3x plus 2 और दूसरा होगा 3x plus 2। ये हमारे दो फैक्टर्स हो गए।
अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, 5x² + 12x + 4। फिर वही काम, इसको मल्टीप्लाई करो इस 4 से, कितना हुआ, 5 × 4 = 20, 20 मल्टीप्लाई करके 20 आए और प्लस करके 12 बीच का नंबर आए। नंबर सोचो, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, जैसे 5 और 4 मल्टीप्लाई करो तो 20 आता है, मगर 5 और 4 को अगर प्लस करें तो बीच का नंबर 12 नहीं आता, वो 9 आता है। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर गलत है, कोई और दो नंबर सोचो और सोचो 20 कब आता है। 20 आता है 2 × 10, हाँ ये ठीक है, 2 और 10 को अगर प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा और 2 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। तो ठीक है, फिर सबसे पहले पहला नंबर लिखते हैं 5x² और फिर जो नंबर हमने सोचे कौन कौन से, 10 और 2 और ये 10x + 2x, उनके साथ x लिखो, जो नंबर सोचे हैं उनके साथ x लिखना है, 10x फिर प्लस फिर 2x फिर आखिरी नंबर +4 इस साइन के साथ, जो भी साइन है। ठीक है, पहला नंबर लिखना है, आखिरी नंबर लिखना है और बीच में वो दो नंबर लिखने हैं। अब इसके बाद फिर वही बात, इसको मत देखो, सोचो इन दोनों में से कॉमन लेना है, क्या कॉमन आएगा इन दोनों में से, यहाँ 5 है या 10 है, तो बाहर कौन सा आएगा, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये भी डिवाइड, ये डिवाइड हो जाएगा बोलो, और ये भी डिवाइड होना चाहिए, तो 5, ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, ये भी नंबर 5 से डिवाइड होगा, बस तो 5 कॉमन आ गया। और क्या कॉमन आएगा, और दोनों में से एक्स भी आएगा, एक्स भी कॉमन आ गया। अब जो तुमने कॉमन लिया उस नंबर से इसको भी डिवाइड करो और इसको भी डिवाइड करो, 5x² को डिवाइड करो 5x से, 5 कटा और x² / x 1x कट गया, तो 1x रह गया। ठीक है, और फिर जो तुमने नंबर कॉमन लिया है इसको भी उससे डिवाइड करो, 10x को डिवाइड करो उस नंबर से, x से x कटा, 5 से 10 कटा, वो 2 आ गया। और फिर उसके बाद अब देखो ये, अब इन दो नंबर का इनका तो काम हो गया, अब इनके लिए ये प्लस है तो प्लस लगाओ पहले। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेने वाले हो आप, सबसे पहले ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये भी डिवाइड हो और ये भी डिवाइड हो, और वो है 2, तो 2x को डिवाइड करो इस 2 से, कटा x प्लस, फिर 4 को डिवाइड करो 2 से, 2 ये 2। ठीक है, और देखो क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ये ब्रैकेट x प्लस 2 ये ब्रैकेट x प्लस 2 सेम है, तो x प्लस 2 एक आंसर आया। और अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को मिटा दूं, ऐसे सोचो अगर मैं इसको छोड़ दूं, इस ब्रैकेट को छोड़ दूं और इस ब्रैकेट को भी छोड़ दूं, तो बचा क्या, देखो ध्यान से, 5x + 2, तो वही तुम्हारा दूसरा आंसर, वो दूसरी ब्रैकेट होती है 5x + 2, ऐसे करो। ठीक है, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ, x² + 5x + 6, सोचो x² के साथ कौन है, 1, यहां कुछ नहीं है तो मतलब 1, इस 1 को मल्टीप्लाई करना होगा इस आखिरी नंबर 6 से, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 6, मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस करके बीच का नंबर 5 आए, दो नंबर सोचो, अब दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस करें तो ये बीच का नंबर आए, तो 6 कब आएगा, जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 3 में अगर 2 प्लस कर दूंगा तो 5 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, तो नंबर क्या हुआ फिर, 3 और 2। जो नंबर आपने सोचे हैं वो अब लिखो, यहाँ पे क्या है, सिर्फ x² + क्या नंबर सोचा आपने, 3, 3 के साथ लगाओ x प्लस, और कौन सा, 2, 2 के साथ लगाओ x प्लस आखिरी नंबर 6। ठीक है, अब इन दो नंबर को लो और इन दो नंबर को लो, अब ऐसा सोचो फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दो को सोचो क्या कॉमन आएगा, साफ दिखाई दे रहा है सिर्फ x, तो x कॉमन आ गया, और फिर ब्रैकेट, अब जल्दी से बचाओ, यहां पे क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करो, एक कटा x रह गया, 3x को x से डिवाइड करो, 3x को x से डिवाइड किया 3 आ गया प्लस। अब इन दोनों को सोचो, अब इन दोनों में सोचो, साइन लगा दिया प्लस तो प्लस। अब इन दोनों को सोचो, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा 2, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, बस और कोई नंबर नहीं आ सकता। तो 2 और बचा क्या, डिवाइड कर दो, 2x को डिवाइड करो इस 2 से कितना आया x, प्लस 6 को डिवाइड करो 2 से कितना आया 3। तो आंसर आया, आप बताओ क्या आंसर आया, x प्लस 3 a की ब्रैकेट, ये जो एक ब्रैकेट है ये अगर मैं इसको छुपा दूं तो क्या बचता है x प्लस 2 और दूसरी आएगी x प्लस 2, ऐसे सोचो क्या आंसर आ गया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ठीक है। अब फिर से इस 6 को x स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है उसको इस आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करो, देखो कि क्या आता है, 30 मल्टीप्लाई करके 30 आता है। अब दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करें 30 आए और प्लस करें तो बीच का नंबर आए 17। ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें और 30 आए और प्लस करें तो बीच का नंबर आए 10 और 3। अगर मैं 10 और 3 को मल्टीप्लाई करूं तो 30 तो आता है, मगर 10 और 3 को अगर मैं प्लस करूं तो 13 आता है, आना कितना चाहिए 17, तो गलत हो गए नंबर्स। और सोचो 30 कब आता है, और कोई दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करें 30 आता है, 5 और 6, इनको मल्टीप्लाई करो 30 तो आता है और 5 और 6 को प्लस करें तो 11 आता है, हमें 17 चाहिए। और कोई सोचो, 15 और 2, 2 को अगर 15 से करें तो 2 को अगर 15 से करें तो 30 आता है और 2 को अगर 15 में प्लस करें तो 17 भी आता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है फिर, अब नंबर हो गए 6x² प्लस 15 साथ x लगाओ प्लस 2 साथ x लगाओ और आखिरी नंबर लिखो, आखिरी नंबर, ठीक है, ये दोनों लिखने होते हैं और बीच में आते हैं वो दो नंबर। फिर वही बात, इसको छुपाओ, पहले दो के लिए सोचो, इन दो के लिए सोचो क्या कॉमन है, x तो कॉमन है ही, x तो आएगा ही कॉमन, और कौन से नंबर से ये भी डिवाइड होता है और ये भी डिवाइड होता है, ऐसा कौन सा नंबर है 3, 5, सोचो 2 से, ये तो 2 से डिवाइड होता है मगर ये नहीं होता तो 2 नहीं लेंगे, ये 3 से डिवाइड होता है तो ये भी 3 से डिवाइड होता है, हाँ तो 3 ले सकते हैं। कोई बड़ा नंबर 6, ये 6 से डिवाइड होता है, ये 6 से डिवाइड होता है, नहीं होता तो फिर सिर्फ 3 लेंगे 3, क्योंकि 3 ये भी 3 से डिवाइड होता है और ये भी 3 से डिवाइड होता है, ये दोनों 3 से डिवाइड होते हैं तो 3x कॉमन आ गया। बाहर पहले नंबर को डिवाइड करेंगे इस कॉमन नंबर से, 3 6 से गया 2x, इससे गया बचा 2x प्लस। अब 15x को भी डिवाइड करेंगे 3x से, x कटा 3, 5 जा 5 प्लस। अब सोचो इन दोनों से क्या आता है, इसको छोड़ दो, अब इसको सोचो क्या कॉमन आता है इन दोनों में, इन दोनों में कोई नंबर कॉमन आता है, कोई कॉमन नहीं आता, ये 2x है वो 5 है, कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है मगर ये 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब भी कुछ भी कॉमन ना हो हमेशा 1 लेते हैं, 1 और ब्रैकेट बंद करो, और जब 1 कॉमन लेते हैं तो सारा वही आता है 2x प्लस 5, तुमने 1 कॉमन ले लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा वही आएगा ब्रैकेट के अंदर। आप सोचेंगे कि ये कैसे हो गया, ऐसे सोचो कि 1 बाहर लिया है तो 2x को 1 से करो वही 2x तो आएगा, फिर 5 को 1 से करो 5 ही तो आएगा, वही आएगा, ठीक है। और अब 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट हो गई, और इस ब्रैकेट के ऊपर अगर हाथ रख दो, इस ब्रैकेट के ऊपर हाथ, क्या बचा 3x प्लस 1, वो तुम्हारा दूसरा आंसर हो गया 3x प्लस 1, बस ये हुआ फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, एक और सिक्स्थ। x² + 8x + 12,
हाँ तो एक्स के साथ कौन है यहाँ पे, वन, ये वन को मल्टीप्लाई करो इस 12 से, मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए नंबर, सोचो मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस करके बीच का नंबर 8, तो ऐसे कौन से नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करें, अब एक ही बार में ठीक ठीक सोचो, ऐसे कौन से नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करें 12 आए और प्लस करें 8 आए, 6 और 2, तो नंबर हुए 6 और 2, x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12, अब 6 और 2 तो 6 के साथ x लिखो, 2 प्लस 2 के साथ x लिखो और आखिरी नंबर लिखो, अब दो दो में से कॉमन लेना है, अब इसको छोड़ दो, इन दोनों को देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन, सिर्फ x, तो x कॉमन, बचा क्या x प्लस 6, अब इन दोनों में आ जाओ, इन दोनों में या प्लस तो ये प्लस, अब इसको छोड़ो, देखो 2x प्लस 12 क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा यहाँ पे, यहाँ पे कॉमन आएगा 2, सिर्फ 2, और अब 2x को 2 से डिवाइड करो कितना बचा x, प्लस 12 को 2 से डिवाइड करो कितना बचा 6, यस दिस इज आंसर। अब दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए हमेशा, आ रही है, आ रही है, तो x प्लस 6 एक आंसर, और दूसरा होगा इन ब्रैकेट पे हाथ रखो, रख दिया हाथ, क्या बचा x प्लस 2, ये मान, दिस इज फैक्टराइजेशन। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 12x² - 7x + 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आया, 12 को 1 से करो कितना आया 12, मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए और प्लस करके -7 आना चाहिए, दो नंबर सोचो, ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और प्लस करें तो -7 आए, अब नंबर जो भी आप सोचोगे उनके साथ माइनस भी लगाना है आपने, क्योंकि ये माइनस है, बीच का नंबर माइनस है, इसलिए जो नंबर सोचेंगे उसमें से जो बड़ा नंबर होगा उसके साथ माइनस लगाएंगे। तरीका ये होता है कि जो भी हम दो नंबर सोचते हैं और उनमें से जो बड़ा होता है उसके साथ वो साइन आता है जो साइन बीच के नंबर का होता है, बीच के नंबर का कौन सा साइन है, माइनस, तो जो भी आप नंबर दो सोचेंगे उनमें से बड़े नंबर के साथ माइनस आना चाहिए, ठीक है, नंबर क्या हुए, नंबर हो 6 और 2, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है 6, इसके साथ माइनस लगा दो, अब इनको मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आया -12, मगर हमें तो +12 चाहिए, इसका मतलब माइनस यहां भी लगा के देखो, फिर उधर भी माइनस लगा के देखो, मल्टीप्लाई करके 12 आ गया, -6 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर +12 आएगा, बिल्कुल ठीक है, अब -6 और -2 को अगर मैं प्लस करता हूं ऐसे एक साथ लिखता हूं तो आंसर क्या -7 आता है, नहीं, -2 -6 सबको पता है अगर प्लस किए जाए तो उनका आंसर -8 होता है, माइनस माइनस प्लस होते हैं और साइन आता है माइनस में, ठीक है, मालूम है ना आपको, -5 -2 कितना होता है -7, -8 -1 कितना होता है -9, ठीक है, इस तरह से, तो ये तो गलत है, -6 -2 -8 ये तो गलत है, हमें चाहिए -7, नंबर कुछ और सोचने होंगे, अब कुछ और नंबर सोचो, नंबर होंगे 4 और 3, ठीक है, नंबर हो गया 4 और 3, अब इनमें से जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि बीच का साइन माइनस का है, इसलिए जो बीच का साइन होता है बड़े नंबर के साथ वही साइन आता है, याद रखो, और फिर दूसरे नंबर के साथ आपकी मर्जी, क्वेश्चन को देखो माइनस लगाना है या प्लस लगाना है, अगर मैं यहाँ प्लस लगाता हूं तो -4 और +3 मिलकर के हो जाएंगे -1, मगर हमें चाहिए -7, तो फिर +3 मत लगाओ -3 लगाओ, बन जाएगा -7, बिल्कुल ठीक, और अगर -4 को मल्टीप्लाई करूंगा -3 से तो आएगा 12, यस ये नंबर दोनों सही हैं, कौन कौन से, -4 और -3, तो इन दो नंबर्स को लिखो इनके साथ x लगा के पहले नंबर के बाद में 12
एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है, अब फिर वही बात, दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों में से कॉमन लो, सोचो क्या आएगा। ये नंबर भी, ये नंबर फोर से डिवाइड होता है, ये भी फोर से डिवाइड होता है। यस, फोर सबसे बड़ा नंबर है, इसका मतलब फोर कॉमन होगा। एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है, फोर और एक्स दोनों कॉमन आएंगे। अब ट्वेल्व एक्स स्क्वायर को फोर एक्स से डिवाइड करो, फोर इससे गया थ्री, एक एक्स इससे गया बचा थ्री एक्स, फिर माइनस 4x को डिवाइड करो 4x से, x x कटा 4 4 कटा 1। ठीक है, अब आप इन दोनों को सोचेंगे, अब ये दो हो गए, इनको छोड़ो, अब ये दो के बारे में सोचो, इन दोनों के बारे में। अब बीच का साइन कौन सा है, माइनस, यहां लगाएंगे माइनस। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, माइनस तो आ ही गया, ब्रैकेट शुरू तो हो ही गई, इसका मतलब माइनस तो कॉमन है ही, और क्या आता है, कुछ भी नहीं, मतलब वन, मतलब वन माइनस वन, ब्रैकेट शुरू। जब भी कभी यहां माइनस होगा, ये माइनस होगा तो यहां भी माइनस आएगा, जब भी कभी यहां माइनस होगा तो अब ये दोनों नंबर में से, जब ये दोनों नंबर यहां लिखे जाएंगे तो इनके साइन पलट जाएंगे। जैसे ये माइनस थ्री एक्स है तो बचेगा प्लस थ्री एक्स, और ये प्लस वन है तो होगा माइनस वन। जब भी कभी माइनस बाहर आता है साइन पलट जाते हैं, याद रखो माइनस टू एक्स माइनस प्लस फोर, ये एक एग्जांपल। अगर मैं माइनस बाहर लेता हूं और माइनस ही लो, इसे छोड़ दो, माइनस बाहर लेता हूं तो ब्रैकेट लगती है और यहां क्या आएगा, साइन पलट जाएंगे, माइनस एक्स का प्लस एक्स, प्लस फोर का माइनस फोर, माइनस बाहर आते ही साइन पलट जाते हैं, याद रखना होगा। ठीक है, फिर से देखो, अब इसका आंसर क्या होगा, दोनों ब्रैकेट एक जैसी है तो थ्री एक्स माइनस वन एक आंसर हुआ। अगर मैं इन दोनों पे हाथ रखूं तो आंसर क्या बचता है, दूसरा फोर एक्स माइनस वन, फोर एक्स माइनस वन, ये हमारे दो आंसर हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है, इट्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो अब नंबर सोचो, एक्स के साथ स्क्वायर के साथ कौन है, वन वन, और यहां अकेला कौन है, थ्री, वन को थ्री से मल्टीप्लाई किया, कितना आया थ्री। दो नंबर सोचो, मल्टीप्लाई करें थ्री आए, प्लस करें माइनस फोर आए, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें थ्री आए, और नंबर होंगे थ्री और वन, नंबर होंगे थ्री और वन। अब इनके साथ साइन किसका आएगा, बीच का साइन क्या है, माइनस, बड़ा नंबर कौन सा है थ्री, उसके साथ माइनस, और दूसरे के साथ तुम्हारी मर्जी, तुम्हें माइनस लगाना है कि तुम्हें प्लस लगाना है, ये तुम सोचो। अगर आप प्लस लगाते हैं तो फिर क्या हमारा माइनस फोर आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर हम माइनस लगाते हैं तो माइनस फोर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नंबर होंगे माइनस थ्री एंड माइनस वन। और अब इन दो नंबर्स को लिखो, पहले एक्स के लिखो, फिर लिखो माइनस थ्री एक्स, फिर लिखो माइनस एक्स, मतलब वन एक्स, वन एक्स, और आखिरी नंबर प्लस थ्री। ठीक है, अच्छा, अब फिर वही, इन दोनों को छोड़ो और इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आता है, सिर्फ x, x कॉमन आ गया, x बाहर आ गया, क्या बचेगा, x माइनस x बाहर आ गया, डिवाइड करो 3x को x से, कितना आएगा 3x, कट गया। अब इस दोनों पे आ जाओ, अब इन दोनों पे ये दो गए, ये माइनस वन, माइनस वन, और ब्रैकेट शुरू, और कुछ कॉमन नहीं आता, और जब भी माइनस बाहर आता है तो साइन पलट जाते हैं, इसका साइन माइनस है प्लस का हो गया, इसका साइन प्लस का है माइनस का हो गया, याद रखो ये तरीका है। ठीक है, अब एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी, दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, सेम है, अब एक्स माइनस सी एक आंसर हो गया, और अगर मैं इस ब्रैकेट को छोड़ दू तो क्या बचता है, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, फिर से देखते हैं एक और क्वेश्चन। It is 2x square minus 19x plus 6. अब इसको देखते हैं,
अब इसमें फिर से इस 2 को मल्टीप्लाई करो इस 6 से, 2 6 जा 12, मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस करके -19 आए, नंबर सोचो मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस करके 19 आए। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक करना पड़ेगा मुझे। -13 लिखना है, तो नंबर है 2x स्क्वायर -13x प्लस 6। नंबर सोचो मल्टीप्लाई करके तो 12 आ जाए और प्लस करके -13 आए। ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करें 12 आए, तो 12 आए मल्टीप्लाई करके और प्लस करके -13 आए। नंबर होंगे 12 और 1। 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 12 आ जाएगा, मगर इनको प्लस करूंगा तो -13 आना चाहिए। तो इनमें से जो नंबर तुमने सोचे हैं उनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 12, उसके साथ आएगा बीच वाला साइन माइनस, और दूसरे के साथ आएगा या तो माइनस और या तो प्लस। तुम सोचो प्लस या माइनस, माइनस तभी तो -12 और -1 मिल करके बनेंगे -13। तो ये हो गया 2x स्क्वायर -12x और -1x प्लस 6, ठीक है। फिर वही बात, इसे छोड़ दो और इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? एक तो 2 आता है और एक x आता है। ये 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, बस 2 ही सबसे बड़ा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड होते हैं, और फिर x भी बाहर आएगा, 2 भी आएगा x भी आएगा। अब इस पूरे को 2x से डिवाइड करो, 2x स्क्वायर कॉमन जब लेते हैं तो ये तरीका होता है, अंदर क्या बचेगा? 2 गया x स्क्वायर, एक x से गया, x से गया माइनस। अब 12x को करो 2x से डिवाइड, x x गया और ये 6 बस। अब आ जाओ इन दोनों में ये और माइनस, और कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 लेना है हमें, जब कुछ भी नहीं आता तो 1 लिखते हैं हमेशा 1, और फिर ब्रैकेट, और ब्रैकेट में जो भी माइनस जब भी बाहर आता है, जो भी ये नंबर होता है उसका उल्टा साइन लगेगा, एक्स नेगेटिव का पॉजिटिव और ये पॉजिटिव का नेगेटिव, ये बात याद रखनी है। अब आंसर क्या होगा? ये दोनों आ गए तो एक्स माइनस 6 एक आंसर हो गया। देखो ये दोनों सेम होने चाहिए और सेम आ गए हैं, तो ये एक आंसर हो गया, और अगर मैं इनको छुपा दूं तो क्या बचता है? इट इज 2x माइनस 1, ये दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। ये हुए फैक्टर्स एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के। फिर से देखते हैं नेक्स्ट, इट इज 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। अब फिर दोबारा सोचो, इस 3 को करो मल्टीप्लाई इस 5 से, कितना आएगा? 3 5 जा 15। नंबर 2 सोचो जिनको मल्टीप्लाई करें 15 आए और प्लस करें तो बीच का नंबर -8 आए, तो 15 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और प्लस करके -8 आना चाहिए। पहले मल्टीप्लाई करके सोचो, नंबर होंगे 5 और 3, अब बीच का साइन कौन सा है? माइनस, तो बड़े नंबर के साथ माइनस लगाओ और छोटे के साथ क्या लगाना है आप सोचो, प्लस लगाओगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा? -2, क्योंकि -5 प्लस 3 मिलकर के माइनस होंगे और साइन किसका आएगा? बड़े का। बड़ा कौन है? 5। 5 का कौन सा साइन है? माइनस का, तो ये होगा -2, और अगर ये माइनस होगा तो आएगा -8, हमें वही चाहिए, तो नंबर होंगे -5 एंड -3, और ये 3x स्क्वायर, अब जो नंबर सोचे उनके साथ x लगाओ और ये हुआ इट इज -5x और -3x प्लस 5, ठीक है। अब इसके बाद इनको छोड़ो और इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आता है। ये दोनों किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, कुछ कॉमन नहीं आएगा, मगर x आएगा, x इधर भी है, x इधर भी है, x कॉमन आ गया, बचा 3x माइनस 5। अब इन दोनों के बारे में सोचते हैं, इन दोनों के बारे में, ये माइनस है तो माइनस लिखो,
अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो वन लिखो और फिर इसका साइन पलट दो 3x, और इसका भी पलट दो इट्स माइनस 5। और जब कभी वन बाहर आता है तो पूरा आगे का नंबर सेम रहता है, जब भी कभी वन बाहर आता है तो पूरा आगे का नंबर सेम ब्रैकेट में आ जाता है। मगर अगर माइनस बाहर आया है तो इन दोनों के साइन उल्टे हो जाते हैं ब्रैकेट में जाने के बाद। माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, याद रखना होगा। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, इसका मतलब हमने क्वेश्चन ठीक किया है। तो आंसर हुआ 3x-5 और x-1। देखो 3x-5 गया, बचा क्या? बचा x-1, वही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज 4x² - 14x + 6। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 4 6 = 24। दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करें 24 आए, और उनको अगर प्लस करें तो -14 आए। सोचो दो नंबर, कोई दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करें 24 आए और प्लस करके -14 आए। तो नंबर होंगे 8 और 3 नहीं हो सकते, क्योंकि 8 और 3 दोनों को अगर प्लस करूंगा तो 14 नहीं आएगा, और फिर बड़े नंबर के साथ माइनस लेना है, इसको भी माइनस नहीं आएगा। कुछ और सोचो, 12 और 2 दोनों माइनस, 12 और 2 मल्टीप्लाई करो 24, बीच का साइन है माइनस, तो बड़े के साथ माइनस आएगा, बड़े के साथ माइनस। छोटे के साथ क्या लगाओगे आप सोचो, प्लस लगाओगे या माइनस लगाओगे? माइनस लगाओ, तभी तो माइनस 14 आएगा। तो नंबर हुए -12 - 2। इट इज 4x² - 12x - 2x + 6। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, इनको छोड़ो, पहले इन दोनों को देखो। यहां से 4 कॉमन आता है और x कॉमन आता है, ये 4 से डिवाइड होता है, ये भी 4 से डिवाइड होता है। 4 ही सबसे बड़ा नंबर है, वैसे तो ये 2 से भी डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, मगर 2 कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 4 भी इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर 4 बड़ा नंबर है, 4 कॉमन आएगा, बड़ा नंबर कॉमन आता है। ठीक है, अच्छा, और x भी आ रहा है। अब 4x² को 4x से डिवाइड करो, गया x, 1x गया x माइनस। अब जरा मन ही मन में करो, अब थोड़े फास्ट काम करो, 12x को 4x से डिवाइड कर दो, कर दिया, x कट गया और 4 भी कट गया, कितना आया? 3। ठीक है, अब जरा अब इसको छोड़ देते हैं। अब इन दोनों के बारे में सोचो, अब इन दोनों में से माइनस है तो माइनस आएगा, और इन दोनों में से 2 कॉमन आता है तो 2 को ले लो और ब्रैकेट शुरू करो। मगर अब याद रखना, डिवाइड तो करो मगर साइन पलट देना। अब ये 2x को आपने डिवाइड किया 2 से, कितना आया? x, माइनस है ना, प्लस आएगा क्योंकि माइनस बाहर लिया है, उल्टा साइन आता है। उसके बाद प्लस 6 को डिवाइड करो इस 2 से, कितना आया? 3, तो 3 आएगा, मगर प्लस है तो माइनस आएगा क्योंकि बाहर माइनस है, इसलिए जब भी बाहर माइनस होगा अंदर के साइन पलट जाएंगे, इन दोनों के साइन पलटेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, और डिवाइड भी किया हमने। तो अब देखो, ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए थी, सेम है, तो एक आंसर हुआ x-3। और अगर मैं इनके ऊपर हाथ रख दूं, इसके ऊपर हाथ रखा, इसके ऊपर हाथ रखा, तो क्या बचा? 4x-2। दूसरा आंसर हुआ 4x-2, दिस आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इट इज 6x² + 5x - 6। इस 6 को मल्टीप्लाई करते हैं इस -6 के साथ, कितना आएगा? -36। अब दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करें -36 आए, और उनको प्लस करें तो 5 आए, ऐसे नंबर कौन से हो सकते हैं? 36 कब कब आता है? एक तो 6 को 6 से करें, अगर 6 को 6 से करेंगे तो फिर 5 कैसे आ जाएगा? 36 तो आ जाएगा, 5 नहीं आएगा। कोई और नंबर सोचो, कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 36 आता है? 9 और 4। अब इसमें जो बीच का साइन है प्लस का या माइनस का, जो भी है, यहां कौन सा है? प्लस का।
बीच का जो भी साइन होता है वो बड़े नंबर के साथ आता है, जो आप सोचते हैं, तो बड़े नंबर के साथ प्लस और छोटे के साथ या माइनस या प्लस, ये आप सोचो। अगर छोटे के साथ प्लस लगा दूंगा तो प्लस 9 और प्लस 4 13 हो जाएगा। इसका मतलब छोटे के साथ मेरे को माइनस लगाना चाहिए, तो ये 5 आंसर आ जाएगा। प्लस 9 माइनस 4 प्लस 5 होता है और हमको प्लस 5 चाहिए। इसका मतलब नंबर हुए 9 और माइनस 4, तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x, जो दो नंबर आप लेते हैं उनके साथ x लगाओ और फिर माइनस 6, ठीक है। अब इसके बाद फिर से वही दो दो काम, ये दो पहले क्या करोगे, क्या कॉमन आता है, x तो आता ही है। अब नंबर सोचो कौन से नंबर से ये डिवाइड होगा और कौन से नंबर से ये भी डिवाइड होगा, तो 3, ये 3 से डिवाइड होता है और ये भी 3 से डिवाइड होगा, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता, इसलिए 3 कॉमन आएगा 3। अब 6x² को 3x से डिवाइड करो, जरा मनी मन में करो, 6 ऐसे सोचो, 6x² को डिवाइड किया 3x से, 3 6 से कटा कितना 2x, 1 कितना हुआ 2x प्लस, ठीक है। उसके बाद यहां इसको भी 3x से करो, डिवाइड बाय 3x, x कैंसिल, कितना बचा 3 और ये 3, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इन दोनों में आ लो, अब जरा लो इन दोनों में, अब इन दोनों में से माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। और इन दोनों में से ये दोनों किस नंबर से डिवाइड होते हैं, दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 कॉमन आएगा और ब्रैकेट। अब इसको 2 से डिवाइड करो, 4x को 2 से डिवाइड किया, 2x हो गया, मगर बाहर माइनस आया, साइन पलटेगा, बचेगा क्या 2x, मगर ये माइनस है तो बचा प्लस। अब माइनस 6 को भी करो 2 से, कितना हुआ माइनस 3, मगर माइनस 3 नहीं लिखना, हमें लिखना प्लस 3, क्यों, क्योंकि माइनस बाहर है, ठीक है। तो माइनस 6 छोड़ो, अब 6 से ही करो, मगर साइन पलटेगा क्योंकि माइनस बाहर है, ठीक है, यस। तो अब देखो आप, क्या आपने ठीक किया है, यस ठीक किया है, दोनों सेम है, ये दोनों सेम होने चाहिए। अब 2x प्लस 3 एक आंसर, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो क्या बचता है 3x माइनस 2, ये दूसरा आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं, इट इज 3x² माइनस x माइनस 4, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। फिर से देखो, ये 3 को मल्टीप्लाई करो इस माइनस 4 से, आना चाहिए मल्टीप्लाई करके माइनस 12, ठीक है, माइनस 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और प्लस करके आना चाहिए माइनस 1, बीच का नंबर क्या है माइनस 1। ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 आए और उनको प्लस करें तो माइनस 1 आए, तो 12 मल्टीप्लाई करके आए और प्लस करके माइनस 1 आए, नंबर हुए 4 और 3। नंबर सोचे आपने 4 और 3, बीच का साइन कौन सा है माइनस का, तो बड़ा नंबर कौन सा है 4 के साथ माइनस और इसके साथ प्लस, ठीक है, क्योंकि प्लस लिखेंगे तभी तो ये दोनों मिलकर के माइनस 1 आंसर आएगा। देखो माइनस 4 प्लस 3 आंसर माइनस 1, माइनस 4 मल्टीप्लाई प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। तो नंबर होंगे माइनस 4 और प्लस 3, इट इज 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। कोई भी नंबर आप आगे पीछे ले सकते हैं, जैसे आप 3 को आगे ले जाएं, 4 को बाद में लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखो इन दोनों में से क्या कॉमन, x, बस ये दोनों किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, इसलिए कुछ कॉमन नंबर नहीं आएगा 3x माइनस 4। इस पूरे को x से डिवाइड 3x आया, इस पूरे को x से डिवाइड 4 आया। अब इसको इधर लगा देते हैं और सोचो, यहाँ प्लस, ये प्लस है और फिर कुछ कॉमन आता है, कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 लिखो, अगर कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 लिखो, और जब भी कभी 1 लिखते हैं तो पूरा उतार देते हैं ब्रैकेट, पूरी ब्रैकेट उतार दो और देखो दोनों सेम आ गए, तो ये एक आंसर हो गया 3x माइनस 4 एक हो गया और बचा कौन x प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट ये अब आपको फैक्टर करने आ गए, फिर से देखते हैं 14x² माइनस x माइनस 6, ठीक है। सोचो फिर से
मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, यहाँ क्या है, यहाँ है वन, जैसे वन, और यहाँ क्या है माइनस सिक्स, मल्टीप्लाई करके माइनस सिक्स आए, और प्लस करके क्या आना चाहिए, फिर से माइनस वन। ऐसे दो नंबर सोचो कि हम मल्टीप्लाई करें माइनस सिक्स आए और प्लस करके माइनस वन आ जाए, तो नंबर होंगे मल्टीप्लाई करके सिक्स आने वाले थ्री और टू, नंबर होंगे थ्री और टू। इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, थ्री, उसके साथ आएगा बीच का साइन, बीच का साइन क्या है माइनस, माइनस आएगा इस थ्री के साथ, और इसके साथ फिर आएगा प्लस, चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, अगर तुम माइनस लगाते हो तो फिर तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये माइनस फाइव, अगर तुमने माइनस लगाया तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव हो गया, मगर हमें चाहिए माइनस वन, तो प्लस लगा दो तो माइनस फाइव आ गया, नहीं ये आ जाएगा माइनस वन, और माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करो टू से तो कितना आएगा माइनस सिक्स, ये ठीक है, ठीक है। तो नंबर हुए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स, ठीक है। अब इसके ऊपर इसको देखते हैं, x कॉमन सिर्फ x माइनस थ्री, फिर यहां देखते हैं और प्लस, अब इन दोनों में से क्या कॉमन, टू, ब्रैकेट शुरू, अब 2x को 2 से डिवाइड करो, 2x डिवाइड बाय 2 कटा, कितना x माइनस 6 को 2 से डिवाइड करो 3, तो देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, आंसर आएगा x माइनस थ्री, और दूसरा जो बचा हुआ है x प्लस 2, ये फैक्टर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट फिर से देखते हैं एक और क्वेश्चन, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, ठीक है। सोचो यह 1 और ये 24, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए माइनस 24, मगर प्लस करके कितना आना चाहिए 5। नंबर सोचो, मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस करें तो 5 आए, तो नंबर होंगे 8 और 3, बीच का साइन कौन सा है प्लस का, बड़ा नंबर कौन सा है 8, उसके साथ प्लस का, मगर 3 के साथ क्या होगा, अगर 3 के साथ प्लस लगाता हूं तो ये 11 हो जाता है, मगर हमें चाहिए 5, तो 3 के साथ माइनस लगाओ और ये हो जाएगा 5। अब प्लस 8 मल्टीप्लाई माइनस 3 होगा माइनस 24, वो भी ठीक है, तो नंबर हुए प्लस 8 और माइनस 3, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। अब इन दोनों में से कॉमन, पहले x कॉमन x प्लस 8, और फिर यहां से माइनस कॉमन और 3 कॉमन, ठीक है। माइनस लिया आपने बाहर, जब आप माइनस बाहर लेते हैं तो साइन पलट जाते हैं, डिवाइड तो करो मगर साइन पलट देना, अब ये 3 को 3x को डिवाइड करो 3 से, 3 कटा x बचा x, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, साइन पलटते हैं, क्यों, क्योंकि माइनस बाहर आ गया, जब भी कभी माइनस बाहर आएगा साइन पलटेंगे, और उसके बाद 24 को 3 से डिवाइड करो आया 8, और माइनस का प्लस 8। ये दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, देखो आप बिल्कुल सेम होनी चाहिए, दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तो सेम है, तो x प्लस 8 एक आंसर हुआ, और अगर इसको छोड़ो इसको छोड़ो तो क्या बनता है x माइनस 3, x माइनस 3 दूसरा आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ठीक है। सोचो इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इस माइनस 5 से, मल्टीप्लाई करके कितना आया माइनस 10, दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस 10 आए, और नंबर कौन से होंगे 5 और 2, 5 और 2, बी का साइन कौन सा है प्लस, बड़ा नंबर कौन सा है 5, उसके साथ प्लस का, और दूसरे के साथ आप सोचो माइनस या प्लस, अगर प्लस लगाता हूं तो ये टोटल हो जाएगा प्लस 5 प्लस 2 7, और अगर माइनस लगाता हूं तो होगा 3 प्लस 3, ठीक है, यस। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 5 माइनस 2x, ठीक है, प्लस 5 और माइनस 2 लिख दिया मैंने। अब इन दो को लो, पहले इन दोनों को सोचो, इसके बारे में भूल जाओ, x कॉमन बचा 2x प्लस 5, और यहां पे इसको छोड़ो, इन दोनों को देखो माइनस बाहर 1 बाहर और 2x प्लस 5, जब भी माइनस बाहर आएगा और 1 बाहर आएगा तो पूरा क्वेश्चन कॉपी ऐसे कैसे ब्रैकेट में आ जाता है, मगर
विद ऑपोजिट साइन, साइन पलट जाएंगे, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, क्योंकि माइनस बाहर आया इसलिए। तो आंसर होगा 2x plus 5 और x minus 1, ठीक है। तो फिर काफी प्रैक्टिस हो गई, फिर कुछ और क्वेश्चन देखेंगे।